एमएस धोनी आईपीएल की तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। प्रैक्टिस देखने के लिए फैंस ग्राउंड पर आ गए थे। जैसे ही धोनी ग्राउंड पर उतरे तो फैंस जोर जोर से चीयर करने लगे। वो दो बल्ले लेकर नेट्स पर प्रैक्टिस करने आए। आते ही उन्होंने बड़े बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया। बता दें आपको, एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं। धोनी नेट्स पर आए और गेंदबाजी की। गेंदबाज पर आगे बढ़कर शानदार शॉट खेला। बॉल फैंस के बीच आकर गिरी। फैंस धोनी का शानदार छक्का देखकर चीखने लगे। लोग उनको चीयर रहे थे। यही नहीं, धोनी जैसे ही बस से चेन्नई स्टेडियम पहुंचे तो फैंस ने उनका धमाकेदार स्वागत भी किया। हर बार की तरह वो भी अपने फैंस से मिलते नजर आए। चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस उनको थाला कहकर बुलाते हुए दिखाई पड़े थे। सूत्रों की माने तो धोनी पहले से ही मैच की प्रैक्टिस करते हुए नजर आए थे। दो हफ्ते प्रैक्टिस करने के बाद वो 4-5 दिन की छुट्टी लेते हुए भी दिखाई दिए और आईपीएल के शुरू होने से पहले वो फिर से इसको ज्वाइन भी कर लेंगे। अंबाइती रायडू, मोनू सिंह, पीयूष चावला, सुरेश रैना ने भी इस कैंप को ज्वाइन किया है। इससे पहले धोनी को जिम में पसीना बहाते देखा गया था। धोनी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन इस 38 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज के सीमित ओवरों के प्रारूप में भविष्य को लेकर अटकलों का दौर अभी भी लगातार जारी है। दो बार विश्व खिताब जीतने वाली भारत की टीम के कप्तान रहे धोनी। इंग्लैंड में 2019 विश्व कप के भारत के बाहर होने के बाद से लगातार ब्रेक पर चल रहे हैं और लगातार उनकी खबरें भी सोशल मीडिया की गलियों में तैरती हुई दिखाई पड़ रही हैं। एलडी न्यूज रूम से लकी की रिपोर्ट।